Katil! Shut up! Katil! 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 इंसाफ के पहरेदारों, किसी को तो इंसाफ दो। बेनर भुट्टो को परवेज मुशर्रफ ने सियासी मकासद के लिए कत्ल करवाया। गोली चलाने वाले को जिम्मेदार नहीं समझता। इंसाफ के पहरेदार, किसी को तो इंसाफ दें। बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में बरसी तकरीब के दौरान साबिक सदर के खिलाफ नारे लगवा दिए। पीपी चेयरमैन बोले, दूसरों को चोर कहने वाले खुद बड़ी चोरी में पकड़े गए। हुक्मरानों ने जमहूरियत कमजोर कर दी। किसानों का भी कोई पुरसा निहाल नहीं। आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके भेलावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। हम मुकाबला करेंगे सबका और इंशाल्लाह आप सबको हराएंगे। मुखालिफीन जान ले, बीबी के बच्चे मैदान में आ गए। इलेक्शन में कश्मीर ताकिल की सबको हराएंगे। मफाहमत के बादशाह मुखालफत पर डट गए। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर आसिफ जरदारी का दो टुक पैगाम। साबिक सदर बोले, वो 12 साल कैद के बाद बरी हुए। पीठ में छुरा घोंपने वाले नवाज शरीफ फिर एनआरओ मांग रहे हैं। ये क्या मजाक है, दोहरा इंसाफ नहीं चलने देंगे। खतरे में है। सारे जग विच पे दुहाई सी, फोटो दी बेटी आई सी। वो एक अहद थी, चली गई। आज दोस्तरे मशरक बेनजीर भुट्टो की 10वीं बरसी है। शहीद जमहूरियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकरीबात। गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। आसिफ और बख्तावर भुट्टो की आंखें छलक पड़ी। जाले भी बीबी की यादें दोहराते रहे, आंसू भी बहाते रहे, हर आंख पर अम्न रही। सबको एक दहाई गुजरने के बावजूद कातिल बेनकाब न होने का गम। एहतसाब भी खत्म नहीं हुआ। रायविंद मोहल्ला तक सड़क की तामीर का हिसाब लिया जाएगा। नैब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की तहकीकात का भी हुक्म। बाबर अवान, राजा परवेज अशरफ के नाम भी शामिल। सानेहाई मॉडल टाउन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सियासी और मजहबी रहनुमाओं से राब्ते। सदर मशायखे अज़्ज़ाम ख्वाजा अताउल्ला तौंसी ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं सानेहे के जिम्मेदारों को कटहरे में होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी अवामी तहरीक के सरबरा को टेलीफोन। खत्म नबूवत के मामले पर राणा सरा को फौरी बरतरफ किया जाए। पीर ऑफ गोलोड़ा शरीफ ने भी पीर ऑफ सियाल के मुतालबे की हिमायत कर दी। 16 जनवरी को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में अगला लाहे अमल देने का ऐलान। पीर निजामुद्दीन जामी की तहरीर कादरी की भी हिमायत। कहते हैं कोई भी नून लीग को वोट ना दे। काबा को गवाह बना के कहता हूं कि मेरी सियासी सोच यह है कि ये खत्म नबूवत का मसला नवाज शरीफ ने पैदा किया था, बाकी सब इसके बेटे। कसम खाकर कहता हूँ, खत्म नबूवत का मामला नवाज शरीफ ने पैदा किया। खत्म नबूवत शेख गलती से नहीं, जानबूझकर साजिश के तहत तब्दील की गई। शेख रशीद कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म और ट्रंप रिश्तेदार हैं। दोनों धांधली से इक्तदार में आए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा का डेरा गाजी खान में खिताब। खत्म नबूवत कानून में तब्दीली। हुक्मरानों ने बैरूनी आकाओं को खुश करने की कोशिश की। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा ठंडा नहीं हुआ। पहले भी जाने पेश की, आगे भी करेंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल की हमायत करने वाली जमातों के बॉयकॉट की भी अपील। आपकी मीटिंग कैसी रही कमांडर यादव से? जी, आपकी मीटिंग कैसी रही? Do you support Commander Yadav's request for clemency? Do you support his request? Hounded, heckled and asked some deliberately planted questions. They have unleashed psychographic terror or psychological terror, beg your pardon, on these two ladies.
दहशतगर्द भारत से इंसानी हमदर्दी बर्दाश्त न हुई। भारतीय मीडिया का एक और ड्रामा बेनकाब। कुलभूषण की वालिदा और अहलिया से सवालात पर वावेला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 92 न्यूज की एंकर पर्सन सादिया अफजाल की मौकफ जानने की कोशिश पर तनकीद। महाराज सहाफी सवाल नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का POF वाह का दौरा। UFMC प्लांट का अफ्तिताह। सिपा सालार को मुख्तलिफ अमूर। मुस्तकबिल के VN और हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ का PR टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन। इस्तेदार कार के हुसूल के लिए काम करने पर जोर। बाजौर से फरार कलदम तहरीके तालिबान का दहशतगर्द जान वलीशीन अफगानिस्तान में हलाक। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अफगान सूबे कुनर में नामालूम अफराद के हाथों मारा गया। दराए ने तस्दीक कर दी। हलाक होने वाला दहशतगर्द कई संगीन वाकयात में मुलव्वस था। नई सियासी हलचल। शहबाज शरीफ की अचानक सऊदी अरब रवानगी। सऊदी हुकूमत ने वजीर आला पंजाब के लिए खसूसी तैयारा भिजवाया। बाबे पाकिस्तान की तामीर नौ के मनसूबे का इफ्तिताह भी मंसूब। शहबाज शरीफ की अचानक रवानगी पर सियासी हलकों में चहमगोइयां। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अगली बारी भी नून लीग की है। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को यकीन। कहते हैं शेरवानी सिलवाकर गैर मुंतखब हुकूमत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश करने वाले नाकाम होंगे। अदम इस्तेहकाम ना होता तो मुल्क और तरक्की करता। हुकूमत ने नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्तें 15 से 24 जनवरी तक वसूल की जाएंगी। कुरंदाजी 26 जनवरी को होगी। अखराजात में कोई इजाफा नहीं किया गया। नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। कानून साजी आवाम के लिए होती है फर्दे वाहिद के लिए नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। दरख्वास्त में नवाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद में हड़ताल का तस्वुर नहीं है। वकील अदालतों में पेश ना होकर आईनी निजाम की भी नफी करते हैं। जस्टिस कासिफ आइस इज़ाखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एक मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अगर वकील का चालान कर दे तो दूसरे दिन हड़ताल कर दी जाती है। वादे फिर सियासी निकले। कराची में यकीन दहानियों के बावजूद असातज़ा की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। कैंप में शरीक एक टीचर बेहोश। उधर वजीर आला मुराद अली शाह ने मामले के हल के लिए कल इजलास बुला लिया। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे नाकस। मंसूबा बंदी के बायस दर्दे सर बन गए। शाहराह फैसल पर 3 मकामात पर सड़क धंस गई। हादसा का खतरा। उधर जैनब मार्केट और अतराफ की सड़कों पर तीसरे रोज भी सीवेज का पानी मौजूद। ताफुन फैलने लगा। गिलगित में हुकूमत की जानिब से टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। सूबाई हुकूमत और ताजरों के मुजाकरात कामयाब। मार्केटें खुल गईं। धरना जारी। लॉन्ग मार्च के शुरका का सकर्दू से वापस रवाना। सूबाई वज़रा ताजर और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। धरना वाहिदे पर अमल के बाद खात्मा किया जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन यूनिट अम दुश्मनों की सरकोबी के लिए तैयार। लाहौर के बेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में पहली ही पासिंग आउट परेड। 112 अहलकारों की जानिब से सलाहियतों का अमली मुजाहिरा। फायर प्रैक्टिस, लॉन्ग फायर रेंज और दहशतगर्द अनासर से आहनी हाथ से निमटने की महारत। देखने वाले बहादुरी के मोतरिफ। छोटे
हमारे शाहीनों ने कैंगरूज को दबोच लिया। अंडर 19 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान अंडर 19 ने 242 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अली जरियाब ने शानदार 50 स्कोर की। दौरे न्यूजीलैंड शाहीन आज उड़ान भरेंगे। कौमी टीम लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स केविस के खिलाफ 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। पहला वनडे 6 फरवरी को खेला जाएगा। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही सेना टपका तो फिर लहू क्या है। उर्दू और फारसी सुखनवरी में अपनी मिसाल आप। मिर्जा गालिब का आज 219वां यौम पैदाइश। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में आंख खोलने वाले मिर्जा ने शायरी में इतना नाम कमाया कि असदुल्लाह से गालिब बन गए। लफ्जों की जादूगरी आज भी बरकरार। गूगल का भी नामवर शायर को खराज अकीदत। जापान में शदीद बर्फबारी। होकोआजो और ताकीवा समेत शिमाली इलाके सफेदे में अच गए। सड़कें बंद, ट्रैफिक जाम, जिंदगी मुंजमित हो गई। खराब मौसम के बाइस कई परवाजें भी मनसूख। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के बेशतर ममालिक भी शदीद सर्दी की लपेट में। की गलतियों में अमरीका हमसे भी आगे निकल गया। पेंसिल्वेनिया में खातून को 284 अरब डॉलर बिजली का बिल मौसूल। 58 साल मैरी की आंखें खुली रह गईं। खातून के मुताबिक लगता है पूरे मुल्क में क्रिसमस की लाइटिंग का बिल उसे भिजवा दिया गया। 100 साल मेहनत करके भी अदायगी नहीं कर सकती। बेलारूस में फैशन वीक। मौसम बहार की मुनासबत से जदीद मलबूसात की नुमाइश। हसीनाओं के दिल फरेब अंदाज। रैंप पर जलवे देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। गैर मुल्की डिजाइनर्स की कलेक्शन भी नुमाइश में शामिल।